सो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले दंतेवाड़ा जिले के फेमस झरना जो कि झारालावा झरना। इस झरने में पहुंचना बड़ा ही कठिनाई है जो कि 6-7 किलोमीटर पहाड़ियों से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो चलो गाइस, सफ़र का मजा लेते हैं। गाइस, तो जैसे ही हम लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं तो हम लोग को मिलता है बिना पुल वाला रास्ता। देख सकते हो यार, खतरनाक रास्ता। इसको पार करना मेरे लिए आसान था, फिर भी मैं सोच रहा था पार करूं या ना करूं। और मैं बिना डरे बाइक पार कर रहा था, तभी अचानक मेरा बाइक थोड़ा सामने जाके बंद हो गया और मेरा जूता भी भीग गया। किस तरह पार कर रहे हैं यार, वो खतरनाक। और दीदी लोग तो स्कूटी पार कर नहीं पा रहे थे, इसलिए भैया स्कूटी पार कर दिया एकदम आसानी से। जैसे हम लोग वहां से पार होते हैं तो हम लोग को मिलता है एक छोटा सा सुंदर सा गांव। फिर एक नाला मिल गया, देख सकते हो, इसको पार करके जाना पड़ेगा हम लोग को। गाइस, तो अभी हम लोग जस्ट दुर्लिम पहुंच गए और देख सकते हैं इधर यहीं का पानी पीते हैं लोग। चलो 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 चलो, किस प्रकार रखे गए हैं देख सकते हो गंजी बर्तन। खाना वगैरह बनाने को पूरा है सर। चलो आगे के लिए निकलते हैं गाइस, अपना बाइक। और पंकज भैया लोग पहले से गए हुए थे क्योंकि उन लोग को कुछ रिसर्च करना था। बाइक मन को साइड रख कर हम लोग फिर निकल गए पहाड़ के। इस जगह से करीबन चलना पड़ता है 5-6 किलोमीटर से अधिक। सब्जी सब्जी तो जैसे कि अभी हम लोग चिकन भूल गए हैं, चिकन लेने जा रहे हैं अभी एक साथ लोग, अभी दीदी लोग चढ़ेंगे सीधे पहाड़। और हम लोग भैया के साथ निकल गए दुर्ली के लिए। निकलना है हम लोग को। जैसे हम लोग चिकन कटिंग करा के जाते हैं तो रास्ते में कुछ बच्चे मिल जाते हैं स्कूल जाते टाइम, और इन्हें देख मेरा भी बचपना याद आ जाता है।
गाइस तू फिर से किसी का निकल आ गया है चिकन लेके देख सकते हो। करीबन 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिलता है एक छोटा सा वाटरफॉल, छोटा सा झरना। और ये लोग कुछ बना रहे थे बस। जैसे हम लोग इसको पार करते हैं तो हमें मिलता है नेचुरल बांस का पेड़ पौधा, ये खतरनाक वाला। इसको देख के तो मैं दंग रह गया यार, इतना सारा बांस का पेड़ मैं कभी नहीं देखा था जो पहाड़ में। अच्छा सा सीन देख के हम लोग बनाने लगे रील्स भैया के साथ। खराब हो गया फिर भी हम लोग रील्स बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। ये चोटी पर हम लोग का चढ़ना बहुत ही कठिनाई का काम था, फिर भी क्या हम लोग आगे निकलते ही गए और पीछे का सीन ये खतरनाक। कितना खाई है यार, हाँ पूरा पसीना पसीना। पहाड़ चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गया, अभी रुके हैं हम लोग। हाँ पूरा पसीना पसीना यार। Thank you.
पहुंच गया वाटर पार्क। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी लोग पहले पहुंच गए हम लोग। पसीना पसीना फाइनल पहुंच गए गाइस। इसी के लिए कितना मेहनत करना पड़ा यार। और आज देखो गर्मी के टाइम भी यहाँ पानी है और दूसरे झरना में ऐसे नहीं रहता। देश की तरह कोट वगैरह सब जाओ अभी पानी ख़त्म है। ऐसे लग रहा है बारिश का टाइम आ गया। खतरनाक वाला अभी भी देख अंकल है लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भैया? हालत खराब हो गई। पानी के खतरनाक है आगे ये मस्त एक नंबर खतरनाक ठंडा। गाइस का लखे वगैरह के लिए कार खाना बनाने के लिए खाना वगैरह बनाना है। आप देख सकते हो गाइस सुनील बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती लड़का है। इसके लिए हम लड़की खोज रहे हैं कि कोई उम्मीदवार है तो खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा लड़का है, कोई उम्मीदवार है तो बताना। तो आप कुछ इस प्रकृति मनमोहक के बारे में बोलना चाहेंगे इधर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा झारालावा का, लेकिन बगल में ही बहुत अच्छे अच्छे नज़ारा हमको देखने मिल रहे हैं। प्लास्टिक बॉटल देखिए बहुत सारा कचरा फैला के गए हैं। कृपया जब भी आप वाटरफॉल हो या कहीं आप घूमने जाते हैं इस प्रकार से ना करें और गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे लिए खतरे में डाल रहे हो। और क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को अगर देखा जाए जल में रहने वाले लोग उनको भी घातक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कांच के बॉटल उधर में भी गया हुआ था तो देख रहा था कि उधर भी बहुत सारे गंदगी फैला हुआ कांच के बॉटल टूटे हुए हैं। तो इस प्रकार ना करें। यदि आप यहाँ पे लाते हैं या तो जला जमा कर दें या फिर उसे उसी प्रकार से वापस ले जा करके कहीं पे डाल दें, जिससे कि आपका पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि यहाँ का अगर बायोडाइवर्सिटी देखा जाए बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई उड़ रही है उधर पे, बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई उड़ रही है। हम उसे बहुत देर से कैप्चर करने के देखो कितना प्यारा घुटने का नाम ही नहीं ले रही है। भैया का नहाते देख मैं भी चला गया नहाने के लिए सीधा गोपुरों पकड़ के। और हम लोग दोनों कोई पानी के अंदर डुबकी लगाए गोप्रो के साथ। ये एक खतरनाक मजा आ रहा था और यहाँ का पानी एकदम ठंडा था। भैया एक बात ये और एकदम क्लीन दिख रहा हूँ यार मैं तो, एकदम एक्साइटेड था। ऐसे जगह मैं पहली बार गया था, उससे पहले इतना अच्छा जगह मैं कभी गया ही नहीं था। सोच ही रहो भैया गोपुर लाने का यही फायदा है यार, पानी में कम से कम डूबा तो सकते हैं। Ooh.
को ऊपर चढ़ते देख मैं भी ऊपर चढ़ने का सोच लिया। गाइस तो कभी भी आप लोग ऐसी जगह जाते हो ना, आप कभी ऐसे मत करना, चाटी है ना इसमें स्लान ज्यादा रहता है, गिरने उड़ने के चांस रहते हैं। और भैया इधर पहले से चढ़े हुए थे और भैया बता रहे थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा वाला गड्ढा है करके। मैं यहाँ नहाने का सोच रहा था, बाद में डर लग गया यार गड्ढा है करके बोले तो। नहा धो के हम लोग सीधा निकल गए खाना वाना खा के सीधा घर की ओर। बाकी वीडियो क्लिप नहीं डाला यार हमने। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत इंजॉय किए, हम लोग निकल रहे हैं सब लोग। जैसे पूरा पैकिंग वगैरह हो गया सामान, मैं इसको बोलते हैं गुड बाय, चलो गाइस निकलते हैं यार। और घर जाते टाइम भैया का पैर फंस गया सीधा पत्थर में। देखा फंस गया। Yeah.